कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिक्षा नगरी में मंगलवार व बुधवार को दो दिन का लॉकडाउन रखा गया है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने आम नागरिकों से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन की पालना करने का आह्वान किया। इसके चलते शहर में सभी प्रतिष्ठान और आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहे। पुलिस के जवान पूरी चौकसी रखे हुए थे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों को बंद से मुक्त रखा गया। उधर लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकलना लोगों को भारी पड़ गया। जब पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर अचानक चेकिंग शुरू की, दादाबाड़ी सहित कई इलाकों में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वाहन जब्त किए गए। इस दौरान आईटी और घर से बाहर निकलने के कारण के बारे में जानकारी ली गई। लॉकडाउन की पालना को लेकर दादाबाड़ी सीआई ताराचंद गश्त करते रहे और लोगों को समझाइश कर घरों में रहने की अपील की। को देखते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय कोटा द्वारा 4 और 5 अगस्त को लॉकडाउन रखा गया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोग ही बाहर जा सकते हैं और सरकारी ऑफिस में जाने वाले उनको कार्ड वगैरह देख करके उनको अलाउ कर रहे हैं। बाकी के जो बिना मतलब बाहर निकल रहे घरों से, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। वाहन लेकर निकल रहे हैं तो उनके वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। अब तक हमने 4 वाहन जब्त कर लिए हैं इनके, जो भी अनावश्यक रूप से घूम रहे थे। और इसके अलावा क्या है कि जो लोग हेलमेट पहन के नहीं निकल रहे उनके खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, चाहे भले ही वो आवश्यक सेवा जा रहे लेकिन डिस्टेंस मेंटेन जो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की।